मोलरिटी के बारे में हमने देख लिया था। ओके सो वी मूव अहेड तो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है इफ 0.2 m एंड 0.250 liter सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट HCl इज प्रिपेयर्ड फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl एंड इट्स मास, उसका मास पता करना है कि HCl के कितना मोल है और कितना मास है। आल्सो कन्वर्ट द कंसंट्रेशन इनटू मास परसेंटेज, आल्सो कन्वर्ट द कंसंट्रेशन इन मास परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन, दोनों चीज में कह रहा है, सारी चीज बोल दे रहा है। अब देखो कि कितने लीटर सॉल्यूशन है और उसमें इसके कितने मोल हैं HCl के, ठीक है। तो दैट इज 0.2 है, तो मोलरिटी क्या होती है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, mv, तो 0.2 ये तो हो गया। m का क्या मतलब है, मोल बाई लीटर, मोल पर लीटर को ही तो मोलरिटी कहते हैं, वही तो इसकी यूनिट है, ठीक है। ओके इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इंटू 0.250 liter, तो लीटर से लीटर कट गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 250 का 2 में मल्टीप्लाई करो 500 और 4 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, सो इतने मोल, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 0.05 मोल हो गए। ये किसके मोल हुए अमानशी, HCl के मोल हो गए। नाउ दीज आर द मोल्स ऑफ HCl एंड HCl के हो गए। नाउ वी विल फाइंड, अब इसके बाद हम पता करेंगे कि इसका मास क्या है, सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स हमें पहले से ही पता है, मास क्या होगा, मास का पता नहीं है HCl का, और मोलर मास, मोलर मास कितना होता है HCl का, थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव। तो अब ये मोलर मास है, ये ग्राम है, ये ग्राम पर मोल है, तो इस तरीके से ये इट इज मोलर मास, ग्राम पर मोल है और ये मोल है, तो पर मोल और मोल कट जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। 0.05 में 36.5 का मल्टीप्लाई करो, पता करो इसका कितना मास है। एटीन पॉइंट टू फाइव ग्राम, ये इसका क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है। सो मास ऑफ HCl पता लगा लिया आपने, मास ऑफ
HCl इज इक्वल्स टू 18.25 ग्राम। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें मास परसेंटेज भी निकालना है, ये भी पता करना है कि HCl का मास परसेंटेज कितना है। यहां तक बात समझ में आ गई जो कराया गया है? बोलो। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक और चीज दी गई है, इट इज इक्वल टू 1.2, ठीक है, ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी है। क्योंकि HCl भी एक लिक्विड है और साथ में वाटर भी एक लिक्विड है, तो जब लिक्विड को लिक्विड में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा बताइए? लिक्विड को लिक्विड में मिलाने से उसका तो वॉल्यूम बढ़ ही जाएगा, है ना। HCl कोई चीनी तो है नहीं कि उसको मिलाया तो उसका वॉल्यूम न बढ़ा, या नमक तो है नहीं। HCl एक सोल्यूशन होता है, तो उसको अगर आपने डाइल्यूट करा तो फिर वो और बढ़ जाएगा। अदरवाइज HCl एक हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है जो 729 लीटर पर लीटर ऑफ वाटर में सॉल्युबल है। तो बाजार में जो बिकता है सोल्यूशन वो यही है, एक लीटर पानी में इतने लीटर HCl गैस सॉल्युबल होती है और उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड HCl। ऐसे ही 831 लीटर ऑफ अमोनिया। हाँ बोलो, आवाज थोड़ा बीच में कट रही है। हाँ बोलिए। 1.825 मास कितना है? 1.825। अच्छा ठीक है, तो 1.825 कर देते हैं इसको, 1.825। अब देखो जो हमारा सोल्यूशन है वो कितने, उसका वॉल्यूम कितना है बताइए? बोलो जल्दी जल्दी आंसर दिया करो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, कितना लिया था? राजदीप आप भी बोलो। 0.25 लीटर। बेटा जो भी आंसर आता है रिस्पॉन्ड करो, तभी तो क्लास बढ़ेगी, नहीं तो रुक जाती है ना, हम वेट ही करते रहेंगे। तो आउटपुट आपको निकालना है, ये वन वे तो हो नहीं सकती क्लास। तो इट इज 250 ml हुई कि नहीं, अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 250 ml, तो 250 ml है, ये वॉल्यूम है और डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी क्या है? 1.2 ग्राम पर ml। तो मास का क्या फार्मूला है राजदीप? किसी को भी पता है तो बोलो। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना है 250 ml। सो ml से ml कटा और 1.2 का इसे मल्टीप्लाई करो तो 25 दूना 50 और 25 से कम 25, तो 30 और एक जीरो भी है और साथ में मास हो गया 300 और ये डेसिमल लगा दो, ग्राम बच रहा है 300 ग्राम। सो टोटल 300 ग्राम में HCl कितना है? 1.85 है। ओके, 1.82 आपने 2 लिखा नहीं, 1.825। ओके ठीक है। सो अब जरा देखो ये मास किसका आया है, क्या ये सॉल्यूशन का आया है? बोलो, मास ऑफ सोल्यूशन, ये मास ऑफ सोल्यूशन आ गया है। तो अब जरा देखें कि मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन 200। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना था और ये कितना है बताइए, और टोटल कितना है 100। तो दो जीरो से दो जीरो कटा, अब 3 से इसको कट कर दो तो 36 जाए 18, फिर जीरो लगा दो 38 जाए 24 और 3, तो ये मास परसेंटेज इतने परसेंट आ गया।
ये परसेंट सोल्यूशन है वेट बाई वेट, यानी एच सी एल का मास परसेंटेज आ गया, 1% भी उपस्थित नहीं है। अब जरा देखिए कि 0.2 m सोल्यूशन हमने बना लिया, ओके, तो 36, यहाँ तक बात हो गई। अब आती है बात मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एस सी एल इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस सी एल। बोलो यहाँ तक ठीक है? अच्छा अब आंशी ये बताओ कि एस ये जो वाटर है उसका मास कितना है? राजदीप, यस सर, वाटर कितना है, वाटर का मास कितना है? जैसे हमने इसमें ले लिया कि ये सारी चीजें मिला दी और फिर हमने इसमें क्या किया कि ये पता कर लिया कि इस सोल्यूशन में कितना HCl उपस्थित है, तो ये मास ऑफ HCl आ गया। और ये मास किसका आ गया? सोल्यूशन का। तो मैं वाटर का मास कैसे निकालूं? बिल्कुल, सो मास ऑफ HCl और प्लस मास ऑफ वाटर दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन। तो हमें ये बात मालूम है कि 1.825 किसका मास है? HCl का है। सो मास ऑफ HCl इज 1.825 मास ऑफ HCl है, और प्लस मास ऑफ वाटर, ये दोनों मिलाकर दैट विल बी 300 ग्राम। सो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? दैट इज 300 माइनस 1.825 जो कि कितना आ जाएगा? 198.175 आ जाएगा। कितने ग्राम आ जाएगा? सो नंबर एक्स HCl क्या है, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं? 1.825। तो मास बाय मोलर मास, मोलर मास कितना होता है? तो मोल आ गया कि नहीं मास बाय मोलर मास करने से? अब इसके फिर से मोल नीचे रखो और वाटर के कितने मोल होंगे? 298.175 upon 18। क्योंकि फार्मूला क्या है, दैट इज NHCl और प्लस NH2O। यहां तक ठीक है राजदीप? ये पिछली बार देखा था तो। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होता है? मास बाय मोलर मास। तो अब इन सब की अलग अलग वैल्यू बताइए जिसके पास भी कैलकुलेटर हो। 0.05। अच्छा ये तो निकाला ही था, 0.05। और यहाँ देखो, आवाज बीच में वो हो जाती है तो पता नहीं चल पाता। क्या बताया? 16.565। अब इन दोनों को जोड़ दो, 0.05 और 16.56 है, यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 16.6, ये चीज यहाँ जुड़ेगी 615। अब इसको डिवाइड करो,
0.003, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ओके नाउ अब 1.12 क्वेश्चन हमने कर लिया था एक्सरसाइज का, ठीक है। अब देखिए कि मान लीजिए मिक्सिंग ऑफ वन सॉल्यूशन इनटू अदर ऐसा है, तो ये चीज मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच वाटर इज मिक्स्ड इन 0.2 m और 0.250 लीटर NaOH सॉल्यूशन, कुछ पानी मिला दो इसमें तो पतला हो जाएगा सॉल्यूशन, उसकी मोलरिटी कम हो जाएगी, सो दैट इट्स मोलरिटी और डाइल्यूट हो जाए, मोलरिटी ड्रॉप्स टू 0.1 m, मोलरिटी ड्रॉप्स टू 0.1 m। अच्छा एक बात अमानशी बताओ कि अगर मान लीजिए ये सॉल्यूशन, ये मेरे पास सॉल्यूशन है और ये 2 m का सॉल्यूशन है, 2 लीटर है NaOH का, तो क्या इसमें बता सकती हो कि NaOH कितने ग्राम मौजूद है? भाई आप जाने, चलो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते तो इसी का दे दो। अगर मान लो ये 2 m सॉल्यूशन है और 1 लीटर सॉल्यूशन है NaOH का, बता सकती हो कि इसमें कितना NaOH मौजूद है? कितना? 80 ग्राम है, 1 लीटर में 80 ग्राम। अब वैसा ही हमने 2 लीटर सॉल्यूशन ले लिया तो कितने ग्राम? 160। बोलो अब बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन बता ले जाओगी कि मान लीजिए मैंने 0.2 m का 2 लीटर सॉल्यूशन ले लिया है जो HCl का है, तो मुझे HCl का वजन बताओ। अच्छा अब इस तरीके से देखो, 0.2 m सॉल्यूशन 1 लीटर HCl का, HCl का वजन बताओ। 7.3 हुआ, क्योंकि एक तरीके से 2 मोल होता तो 73 ग्राम होता, 0.2 मोल है तो 7.3 है, 1 लीटर में 7.3 है, तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि 2 लीटर में कितना है? 14.6। बोलो है बात सही कि नहीं, फिर गलती क्यों होती है आपसे? तो गलती नहीं होनी चाहिए कि किसी चीज़ का जब सलूशन बनता है तो ये आपको वाली प्रकार पता होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने 0.2 m का सॉल्यूशन बना दिया और 1 लीटर बनाया, आपकी आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, और ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो इसमें कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है? 33 ग्राम। हाँ अब सही आ रही हो, लेकिन अभी थोड़े से और प्रैक्टिस की जरूरत है।
कि मान लीजिए मैंने इसमें 16 ग्राम NaOH डाल दिया है और ये सोल्यूशन 2 लीटर है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं ये कितने मोलर सोल्यूशन बना? अब सही बताइए कैसे निकाला वो हम बता देते हैं, क्योंकि आपने मोलरिटी इज इक्वल टू एन बाई वी किया होगा मन ही मन में, और इसको मास बाई मोलर मास बाई वी कर दिया होगा, ऐसा आपने मन ही मन में किया होगा, और 16/40 और बाई 2 कर दिया होगा, तो ये 16/80 हो गया होगा, और फिर 16 से इसको कट किया होगा जो कि 1/5 आया होगा, फिर 0.2 बोल दिया। बोलो यही किया कि नहीं? हाँ, तो अब आपको ये बात पता चल गई कि वास्तव में मोलरिटी का मतलब क्या होता है, कि 1 लीटर में कितने मोल उपस्थित हैं, यही मोलरिटी होती है। अब जरा देखो कि हम ये तो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, बट इट वॉज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो कैसा सोल्यूशन है? NaOH का ही सोल्यूशन है, तो 0.2 m का है और 0.250 लीटर है, इसमें कितना वाटर मिला दिया जाए, यानी इसमें कुछ ना कुछ पानी मिला दिया जाए, तो जो पानी मिला दिया जाए, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिक्स इन इट सो दैट द रिजल्टेंट सोल्यूशन बिकम्स कितना हो जाए, 0.1 m का हो जाए। लेकिन फिर इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो 0.250+ V हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो आपने वाटर का मिला ही दिया है, तो ये नया वॉल्यूम हो जाएगा और ये नई मोलरिटी हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि पानी मिला देने से क्या NaOH के मोलों की संख्या में कुछ परिवर्तन होगा? NaOH के मोल कम या ज्यादा हो जाएंगे पानी डाल देने से? किसी शरबत में पानी डाल दोगी तो क्या चीनी कम ज्यादा हो जाएगी, कि चीनी का मास और मोल वही रहेगा? अच्छा, तो मुझे ये बता दो कि यहां पर इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH का क्या फार्मूला है? अच्छी बात कही है। तो मोलरिटी 0.2 है और वॉल्यूम कितना है, 0.250। तो चाहे हमारी मोलरिटी बदल भी क्यों न जाए, ठीक है, इन केस ऑफ डाइल्यूशन ये कांस्टेंट है, विच इज कांस्टेंट। सो विच इज कांस्टेंट, कब कब कांस्टेंट है? इन केस ऑफ डाइल्यूशन पानी मिलाने पर। तो M1V1 ये फार्मूला बुक में बड़े काम का है, इज इक्वल्स टू M2V2। जब हम चीजों को डाइल्यूट करेंगे तो देखो पेज नंबर 20 पे सबसे ऊपर लिखा है डाइल्यूशन का केस, 20 पे दिख गया आपको इस साइड वाले में 1.7 प्रॉब्लम के ठीक ऊपर M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। बोलो, नहीं दिखा? M1V1 है, मिला? चलो हम दिखा देते हैं, नहीं मिलेगा तो हम दिखाएंगे। ये M1V1 इज M2V2, कहीं दिख रहा? बोलो, पेज नंबर 20 दिख गया ना, तो हम इसी को सीख रहे हैं। सो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, लेट V लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन इट। हमें मान लो इसको पतला करना है सोल्यूशन, लेस मोलर, तो लेट V लीटर वाटर इज एडेड। तो M1 कितना है बताइए, 0.2। वॉल्यूम कितना है, नया कितना चाहिए, नया वॉल्यूम क्या है अमानशी?
वाईफाई कनेक्शन हटवा दिया क्या फिर से? बोलो। अच्छा अच्छा फ्लाइंग से डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो क्या बताया फिर भी क्लियर करो कुछ तो, मुझे समझ में तो आए। 0.25 प्लस वी लिखोगे या नहीं, है ना? यही बोला होगा, क्योंकि अब नया वॉल्यूम इतना हो गया, कुछ लीटर जोड़ दिया तो प्लस वी हो गया, हमें यही वी निकालना है। बहुत आसान सा फार्मूला था, उसी में लगा दिया। नया मोलरिटी, नया वॉल्यूम, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप ही घट जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट तभी इक्वल रहेगा किसी प्रोडक्ट के। तो अब 0.1 नीचे ले आओ, 0.25 ही लिखते हैं और 0.1 नीचे ले आए, तो 0.25 प्लस वी, पॉइंट से पॉइंट गया, अब 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 दूना 50 और 2 डिजिट पहले डेसिमल इज इक्वल टू 0.25 प्लस वी, तो 0.25 माइनस 0.50 माइनस 0.25 इज इक्वल टू वी, तो 0.25 0 लीटर इज इक्वल टू वी, सो 250 ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड, 250 ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन इट टू मेक इट सोल्यूशन ऑफ डिजायर्ड मोलरिटी। अच्छा अब ये देखो, कह रहा है क्वेश्चन में 2 सोल्यूशंस है, पानी नहीं मिला रहा है, तो उसमें वो कह रहा है कि जीरो पॉइंट टू फाइव एम सोल्यूशन है, ठीक है, 0.25 एम सोल्यूशन, और जो कि 0.2 लीटर है, इज मिक्स्ड विद 0.1 एम सोल्यूशन ऑफ 0.5 लीटर, बोथ आर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaOH, फाइंड मोलरिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन की मोलरिटी आपको पता करनी है। कह रहा है कि मैंने एक सोल्यूशन लिया जिसमें 0.25 एम का है और 0.2 लीटर का है, और उसमें जो दूसरा सोल्यूशन मैंने डाल दिया वो कुछ और ही मोलरिटी का था, वो 0.1 एम था और 0.5 लीटर था, और इन दोनों को मिलाने से मेरे पास एक नया सोल्यूशन तैयार हो गया है, और अब मुझे उस सोल्यूशन की मोलरिटी चाहिए। तो जो नया सोल्यूशन बन गया है उसका वॉल्यूम क्या है? बताइए एनीबडी, वॉल्यूम तो बताया ही जा सकता है, बोलो। 0.7 लीटर। अच्छा इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं NaOH के? सो N1 इज इक्वल टू M1V1, ये मान लो ये फर्स्ट सोल्यूशन, ये सेकंड सोल्यूशन है, तो कितना हुआ बताओ? और N2 क्या है? 2। तो जो नया सोल्यूशन बना उसमें टोटल मोल कितने हो गए?
क्योंकि मोल की संख्या तो कम नहीं हो सकती है, इसके मोल और उसके मोल और इसमें जितना एनए उसका वजन और इसका वजन मिलके यहाँ उपस्थित होगा। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए फाइनल में? सो 0.05 दैट इज 0.1 मोल। तो मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गई? दैट इज इक्वल्स टू एन बाई वी, ये क्यों? जीरो पॉइंट 1.3 हो जाएगी, 0.1 30 बचेगा, 7 चौक 28, 1.4 नहीं आ रही है। 0.1428 ये ठीक है, ये फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी है, इसमें एम लिख दो। अब ये सवाल समझ में आया कि टू अलग अलग सॉल्यूशन को मिलाने से कैसे करना है? अच्छा अब देखो, हमने एक डाइल्यूशन का भी बता दिया, एक इसका भी बता दिया, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.25 में आओ, एक्सरसाइज में कहा गया है हाउ आर 0.5 मोल एन ए टू सी ओ थ्री एंड 0.5 एम एन ए टू सी ओ थ्री डिफरेंट। सो 0.5 मोल इतने मोल है और एन ए टू सी ओ थ्री क्या है? इट इज इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। तो ये तो 0.5 हो गया और ये मास निकालने, मोलर मास कितना होता है एन ए टू सी ओ थ्री का, याद है? हाँ, 106 ग्राम पर मोल। तो 106 लिखो, 106 इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो मास कितना आ जाएगा, अब इसका आधा कर दो तो 53 ग्राम। सो इट इज ए साल्ट, एन ए टू सी ओ थ्री एक धावन सोडा होता है या वॉशिंग सोडा, और उससे कपड़े धोए जाते हैं, सफ़ेद चादर धोई जाती है, लोग कहते हैं सोडा से धोबी धो के लाया, वो इसी से लेके आता है। ये चीप एल्कली है, 10 रुपये किलो का मिलता है। तो इट इज ए साल्ट पाउडर हैविंग मास 53 ग्राम, ये लिक्विड नहीं है, ये पाउडर है। इट इज सॉल्ट पाउडर, सभी प्रोविजन स्टोर मिलता है, सॉल्ट पाउडर ठीक है, हैविंग मास 53 ग्राम। अब देखो कि नेक्स्ट क्या कह रहा है, 0.5 एम है, तब इसका क्या मतलब है? सो 0.5 एम एन ए टू सी ओ थ्री, वॉट डज इट मीन? इट मीन्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन या पर लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर ना लिखा जाए तो पर लीटर सॉल्यूशन, इन पर लीटर सॉल्यूशन 0.5 मोल यानी 53 ग्राम एन ए टू सी ओ थ्री इज प्रेजेंट, इट इज एक्वियस सॉल्यूशन, क्योंकि ये अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं होता, अल्कोहलिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो एक्वियस ही होगा, पानी में डिजॉल्व होता है, पोलर है ना ये, तो पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर। ओके बात समझ में आ गई, बताओ। अब आइए 1.29,
कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर विद मोल फ्रैक्शन दिया गया है और इथेनॉल इज 0.040। तो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन दिया गया है तो आपको मोलरिटी बतानी है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इट इज 0.04, ये है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 1, देन द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मोल ऑफ टोटल, तो इथेनॉल के कितने मोल हुए? इतने। तो बताओ वाटर के कितने मोल हुए, क्योंकि ये पर मोल में कितने मोल है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं, तो पर मोल में आता है कि नहीं, बोलो। मोल फ्रैक्शन, तो इस तरीके से इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज 1, 1 में लिया जाए, मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने होंगे इज 0.04, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, 1 टोटल मोल है उसमें इथेनॉल के इतने, तो वाटर के कितने हो जाएंगे 0.96 मोल हो जाएंगे कि नहीं, करके देख लो। क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना है C2H5OH, तो इसके मोल ऊपर रखो और 0.04 इसके और 0.96 इसके रखो, आ जाएगा कि नहीं मोल फ्रैक्शन, चेक करो, बोलो है बात सही। यदि टोटल मोल 1 ले लिए जाए तो इसके मोल इतने आ भी गए। अब देखो ये वाटर के मोल हो गए, ये इसके मोल हो गए, तो पूछी जा रही है कि दैट इज व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इतने मोल ऑफ वाटर है और इतने मोल इथेनॉल है, तो 0.04 मोल इथेनॉल है, तो जो वाटर के इतने मोल्स हैं उनका वजन कितना हुआ, ठीक है, तो ये हम पता कर लें। सो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना हुआ, मास किसके इक्वल होता है, जैसे स्मॉल एन इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास, तो मास किसके इक्वल होता है, एन इंटू एम, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.96 हैं और इसका मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, तो बताओ मास ऑफ वाटर कितना होता है। सेवेंटीन पॉइंट टू एट, तो 17.28 वाटर का है। लेकिन देखो अगर आप मोलरिटी निकालना चाहोगे तो मोलरिटी का फार्मूला क्या है, एन बाई वी, उसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना पड़ेगा कि नहीं, क्या चीज लेनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये तो हमारा ग्राम आ गया, तो वाटर का 1 ग्राम 1 ml के बराबर होता है, बोलो है बात कि नहीं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब, एक पासे में जितना पानी आता है वो 1 ग्राम है या पर ml में, ठीक है। तो लेकिन क्या वाटर ही वाटर प्रेजेंट है, या ये जो v की वैल्यू इसमें हमें सोल्यूशन की लेनी चाहिए कि सॉल्वेंट की लेने से चल जाएगा, बताओ, गलत हो जाएगा ना अगर हम सिर्फ सॉल्वेंट लेंगे नीचे, सॉल्वेंट का मास, क्योंकि अगर यही ग्राम है वाटर ही ले लें तो बताओ वो कितने ml हुआ, 17.28 ml हो जाएगा, फिर इसे लीटर में भी बदला जा सकता है, लीटर में भी बदल देंगे, तो लेकिन क्या सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेने से चल जाएगा कि नहीं चलेगा, गलत हो जाएगी बात, एम आई ऑडिबल, गलत हो जाएगा। तो मैं ये करता हूँ, अब इसमें डेंसिटी दी भी नहीं है तो मैं वॉल्यूम निकालूं कैसे, ये सवाल आधा अधूरा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो इथेनॉल है उसकी डेंसिटी लगभग वाटर के इक्वल होती है, 1.04 होती है, इसकी 1 ग्राम पर एम एल है, 1.04 जब दे नहीं रहा है
तो मैं टोटल मान लूंगा 1 मोल है, टोटल सोल्यूशन 1 मोल विद डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, ऐसा माना जा सकता है। वरना मैं इससे कर रहा हूँ क्योंकि सवाल गलत है, सवाल में हमें सोल्यूशन दिया था और फिर डेंसिटी दे देता तो हम पता लगा लेते, जब डेंसिटी नहीं दे रहा हम कैसे पता लगाएं, सोल्यूशन की डेंसिटी कैसे पता लगाएं, वाटर की तो पता है, इथेनॉल के साथ क्या डेंसिटी होगी ये हमें क्या पता। तो फिर भी मैं इसको रख के देखता हूँ और ये देखता हूँ कि कितना सवाल में गलती आती है, फिर रेक्टिफाई करता हूँ। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी सोल्यूशन की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल एन बाई वी, इथेनॉल के कितने मोल हैं ये, और सोल्यूशन कितने एम एल है जरा ये भी बताओ। 17.28 ml में तो नहीं चलेगा इसलिए लीटर में ले लिया, ये मोल में हो गया और ये लीटर में ले लिया, चूंकि गलत तो कर ही रहा हूँ, सवाल ही गलत दिया है, नहीं तो मैं पूरा वॉल्यूम देता तो मैं पूरे का वो निकाल ही लेता, सबका मास ले लेता, इसका इतने ग्राम मास है, इसका इतने ग्राम होता, अभी इसको भी निकाला जा सकता ना कि कितने ग्राम है, भाई इतने मोल है तो कितने ग्राम। ओके, सो इफ आई कुड हैव फाउंड हाउ मच ग्राम इज इथेनॉल, कितने ग्राम है बताओ, इतने ग्राम है, इतने ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, मोल से हम ग्राम में बदल लेंगे क्योंकि इथेनॉल का मोलर मास क्या होता है, तो 24 और प्लस 6 और प्लस 16, सो इट इज 46 ग्राम, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 46 से, हमें पता चल जाएगा इथेनॉल का कितना मास है, तो जितना मास इसका होगा और जितना मास इसका होगा दोनों मास को जोड़ के हम 1 की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके एमएल निकाल देंगे। ठीक है, इसे मैं फिर से समझाऊंगा, पहले इससे करो तो क्या आता है, 1000 को ऊपर ले जाओ तो 40 आ गया, 1000 ऊपर ले जाओ और नीचे 17.28 है, अब जरा इसको डिवाइड करके बताओ कितना आता है मोलरिटी, कितना आया, राजदीप कैलकुलेटर नहीं है क्या आपके पास, एम आई ऑडिबल, सर आपकी आवाज बीच में बहुत कट रही है, ओके मतलब ओके मैं सही से फिर नहीं आ से, रही। ओके फिर से करता हूँ, ओके नाउ एम आई ऑडिबल क्लियरली, अभी ठीक आवाज आ रही है, अभी आवाज ठीक है, यस बताओ कितना सर, आया आंसर, ऊपर 40 है नीचे 17 है तो 0 पॉइंट कैसे आ जाएगा, टू पॉइंट थ्री वन आया है, वैसे पीछे इसका आंसर यही दिया है 2.31 मोल, लेकिन फिर भी ये गलत तरीका है क्योंकि हमने इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है। बोलो बात समझ में आ गई, तो सही तरीके से करते हैं चाहे आंसर गलत आ जाए। और अब दूसरा मेथड देखो, आंसर पीछे यही दिया है, नाउ अब देखो मास ऑफ इथेनॉल कितना है, मास क्या होता है बताओ, एन इज इक्वल्स टू एम बाई मोलर मास, तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू एम है, तो इथेनॉल के कितने मोल थे और इथेनॉल की अभी मोलरिटी निकाली है 46, बोलो C2H5OH के ऊपर निकाली थी कि नहीं, ठीक तो कितना आ जाएगा, 18, 2 डिजिट पहले डेसिमल, इतने ग्राम हुई। मास ऑफ वाटर कितना हुआ,
एन इंटू एम, चाहे डैश लगा दो, तो 0.96 इंटू 18, ये कितना आपने निकाला था, 17.28 ग्राम। टोटल मास कितना हुआ, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इट इज 1.84 और प्लस 17.28, इन दोनों को जोड़ दो तो इसलिए 19.02 आ गया। अब ये टोटल मास है एंड द डेंसिटी ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली सेम, सो सॉल्यूशन की डेंसिटी भी मैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml लेता हूँ। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत थोड़ा सा इथेनॉल मिलाया गया है, 1 ग्राम पर ml अप्रॉक्स ले रहा हूँ, वैसे ये वाटर की है लेकिन थोड़ा सा इथेनॉल मिलाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अब इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या फार्मूला है राजदीप? सो नाउ यहां पर हमने दोनों का मास निकाल लिया है। बोलो अमानशी। मोलर मास से क्यों निकाल रही हो, डेंसिटी वाला फार्मूला लगाओ ना, डेंसिटी है मास, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, 19.02 ग्राम और अपॉन 1 ग्राम पर ml, तो ग्राम से ग्राम कट गया, चीजें ऊपर पहुंच गई, 19.02 ml हो गया। तो 19.02 ml को क्या लिखा जा सकता है, इट इज 19.02 इंटू 10^-3 लीटर, ये ले लिया। नाउ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या क्या वैल्यू डालें इधर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोलो ऊपर क्या रखें, सही गलत कुछ भी बताओ, बोलो एम आई ऑडिबल, आवाज नहीं है, हाँ तो बताओ ऊपर मोल कितने हैं सल्यूट के, एक मोल में कितने मोल है सल्यूट के, यदि टोटल मोल 1 मोल ले लिए जाए तो सल्यूट के कितने मोल हैं, टोटल मोल 1 ले लिया तो सल्यूट के कितने मोल हैं, 0.04 सल्यूट के मोल हो गए। और टोटल मास हमने निकाला, उस मास से उसका वॉल्यूम निकाला, उस वॉल्यूम को लीटर में बदला, तो वॉल्यूम भी नीचे लिखना है सॉल्यूशन का, तो 0.04 तो सॉल्यूट के मोल हो गए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 0.02 बताया था ना, ठीक है, इंटू 10^-3, तो 40/19.02। अब पता करो ये कितना आया, वन जीरो थ्री, 40 डिवाइडेड बाई 19.02 2.103, तो
हमारे पास 17 था, 18 और 19 हो गया, 103, इतना ही ठीक है मोलरिटी। ये चूंकि आंसर पीछे से नहीं मिल रहा है बट इट इज करेक्ट मेथड, यही करना। पीछे वाले सोल्यूशन में उसने ऐसा किया है, मुझे लगता है उसने मोलैलिटी पूछी होगी, तो कुछ बुक्स मोलैलिटी निकालते हैं, कुछ मोलैलिटी। तो अभी मोलैलिटी बताना बाकी है आप लोगों को क्या होती है। चलो अब आगे के क्वेश्चन में करिए 1.35। 1.35 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वियस HCl टू गिव CaCl2। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराओ, CaCO3 दैट इज लाइम स्टोन में HCl डाल दो, संगमरमर के ऊपर एसिड डाल दो, तो CaCl2 सॉल्ट बन जाएगा जो पानी के साथ बह जाता है, CO2 गैस भी बनेगी और H2O भी बनेगा। ये सोल्यूशन हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 mHcl। तो कह रहा है कि इसका कितना मास चाहिए जबकि पूरी तरीके से रिएक्ट कर जाए, 25 ml और 0.75 m सोल्यूशन है HCl का, बताओ इसका 1 mole इसके कितने से रिएक्ट करता है, इसका मोलर मास क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जरा बताओ। हाँ, 40 + 12 + 48, तो ये कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। इसका 100 ग्राम HCl के कितने ग्राम से रिएक्ट करता है? मतलब 36.5 का डबल करो, 73। अब देखो 2 mole स्टोइकोमेट्री करनी है तो इसको इससे क्रॉस करो, 2 mole HCl कंप्लीटली रिएक्ट्स विथ, रिएक्ट्स विथ 2 mole कितने से करते हैं, 100 ग्राम CaCO3 से कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं कि नहीं, हम स्टोइकोमेट्री में किसी को किसी से लिंक भी कर सकते हैं। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने हैं बताओ उपस्थित, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, तो n की वैल्यू क्या होती है, mv होती है, तो 0.75 m हो गया, और v कितना है, V की वैल्यू बताओ, 0.025 लीटर। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करो, इतने मोल हो गए, 0.01875, इतने मोल। तो 2 mole कितने से रिएक्ट करता है, इतने से, तो इतने ही मोल कितने से रिएक्ट करेगा, है आसान सवाल, समझ में आ गई। तो 100/2 × 0.01875, तो पहले आप 100 से इसको एनकाउंटर करा लो, तो 1.875/2 आ जाएगा, अब फिर 0.2 से करो, 3, 7 और 5, इतने, तो इतने ग्राम से करेगा। सो हाउ मच ग्राम CaCO3 इज रिक्वायर्ड, सो 0.9375 ग्राम CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद HCl। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि मेटल कार्बोनेट्स बेसिक होते हैं, मेटल के कार्बोनेट्स, मेटल के बाई कार्बोनेट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा है 10th में, तो मेटल के कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, इसीलिए तो वो एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर बना रहे हैं, तो क्या ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और सॉल्ट बना रहे हैं। ओके
तो हमारे सवाल में पीछे आंसर आया है 0.94, वो चलेगा क्योंकि उन्होंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, तो हमने एग्जैक्ट आंसर लिया है, पीछे 0.94 है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड, सो दवेस प्रोसेस है, दवे का प्रोसेस है, इनको नोबेल प्राइज मिला था इस पे, तो इन्होंने क्या बात बताई दवे ने कि इनका प्रोसेस देख लें, ये दैट इज 4HCl, क्लोरीन बनाने का ये मेथड है, MnO2, ये तो खनिज है, जमीन से खूब निकल जाता है, बस उसमें HCl डालो क्लोरीन बन जाएगा। पाइरोल्यूसाइट कहते हैं इसके ओर को, MnO2 ही रहता है वो, तो 2H2O और प्लस MnCl2 प्लस Cl2। अब कह रहा है कि हाउ मच ग्राम ऑफ HCl विल रिएक्ट विथ 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो कितने ग्राम के, बोलो हो गया ये, चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैलिटी, व्हाट इज मोलैलिटी, इट इज डिफाइंड, वो था सॉल्यूशन में, ये सॉल्वेंट में होती है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोलैलिटी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और इसकी जो यूनिट है, चूंकि मोल पर केजी हुई, मोल पर केजी, या इसको स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं, जैसे उसे कैपिटल एम से डिनोट करते थे, तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से, कि कितनी स्मॉल एम मोलैलिटी है, तो इस तरीके से है। मान लीजिए इफ 4 ग्राम NaOH इज मिक्स्ड इन 90 ग्राम वाटर टू मेक अ बेसिक सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैलिटी, तो इसकी मोलैलिटी पता करो। तो अब देखो 4 ग्राम HCl है, तो मैं मोलैलिटी का क्या फार्मूला लगा दूं, मोलैलिटी का राजदीप क्या फार्मूला है, अच्छी बात बताई, बोलो अमांशी, आप कहीं खोए खोए रहते हैं लग रहा है, अभी तो पढ़ाई। हाँ हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, या फिर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचती होगी, कोई बड़ी बात जरूर है, कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा, ऊपर क्या लिखूं, जीरो पॉइंट वन, क्योंकि 4 ग्राम है और 40 ग्राम पर मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स है, सो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मास बाई मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट तो दिया ही है, तो वो तो सीधा ही लिख लेंगे, तो ये ऊपर हो गया, आपने नंबर ऑफ मोल्स पता कर लिए, और नीचे क्या लिखूं, 90 ग्राम। अच्छा ये तो अच्छा बता दिया, अपने मन से नियम बना रही है, हाँ 0.096 केजी में बताया करो, 90 × 10⁻³ kg, ठीक है, तो 0.1 तो यहाँ से आ गया, और 10⁻⁴ ये भी ऊपर चला गया, और 90 नीचे रह गया, तो
ऊपर 100 आ गया और नीचे 90, तो ये कितना हो गया? समझ में आ गई बात? बताइए, अगर समझ में आ गई है तो हम लोग प्रॉब्लम 1.8 करें। उसके पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ 4 ग्राम NaOH इज मिक्स्ड इन 90 ग्राम वाटर, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इज 1.2 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी दी गई है। सो फाइंड, मोलैरिटी तो ऊपर निकाली ली है, मोलैरिटी, मास परसेंट एंड तीसरी चीज मोल फ्रैक्शन, तीन चीज पूछ ली। तो अब ये मुझे बताओ कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? बताते जाइए फटाफट। मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको एक बार जो आज पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, फिर केमिस्ट्री में आप मास्टर हो जाएंगे ये कंसंट्रेशन पे। सो ये 4 ग्राम है और ये कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट, कुछ बोला करो। 90 तो कितना हो गया? अच्छा, अब क्या करें, अगला स्टेप बताइए। अब हमें क्या निकालना चाहिए? मोलरिटी, मोलरिटी के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स तो मैं पता लगा ही लूंगा, 4 ग्राम से तो मोल बताना बहुत आसान है, वर्बल है 0.1। हमें वॉल्यूम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वॉल्यूम के लिए क्या करूं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 94 ग्राम और डेंसिटी कितनी है? तो अब आप इसे पता लगाएं, डिवाइड करके कितनी है, 940 बाई 12 को जरा डिवाइड करो, ml में कितना आता है? 32 ml है। और ml को अगर मैं लीटर में बदल दूं कितना? 34। अच्छा ठीक है, 34 बोलते हैं। तो इतने लीटर हो गया, अब मोलरिटी निकालो। अच्छा एक और काम कर लेते हैं, मोल्स ऑफ NaOH भी पहले से ही निकाल लेते हैं। सो मास बाय मोलर मास, तो ये 4 ग्राम है और 40 ग्राम पर मोल, तो मोल सरवाइव कर जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा, तो 0.1 मोल आ गया। मोलरिटी का फार्मूला लगाइए, इट इज एन बाई वी। तो एन बाई वी को निकाला जाए, सो एन बाई वी कैसे आएगा? नाउ थोड़ा वैसा हो गया क्या, क्लियर नहीं आ रहा है? ठीक है, सो इट इज 0.1 अपॉन 78.34 इंटू 10^-3, क्योंकि ये लीटर में ले लिया है और ये इसमें ले लिया, तो अब 1000 ऊपर ले जाओगे तो 100 हो जाएगा, और अपॉन 78.34 जरा पता करो कितना आ गया। टू सेवन सिक्स ऑफ कैपिटल एम लिखना। अच्छा आप सेकंड पे आओ, कहता है मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 4 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताइए, 94 ग्राम है कि नहीं? क्योंकि 90 ग्राम वाटर लिया था, अब इससे 400 में 94 यानी दो, इसको करो डिवाइड। फोर पॉइंट टू फाइव परसेंट वेट बाई वेट। सी क्या कह रहा है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें? तो मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए? NaOH का। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। NaOH के कितने मोल्स हैं? तो 0.1 तो इसके मोल हो गए। और बताओ वाटर के कितने मोल हैं? वाटर के मोल बताओ, 90 ग्राम है वाटर, तो मोल बताइए कितना। हाँ तो 0.1 अपॉन 5.1 करो। अब जरा इसकी वैल्यू पता करो, 1/51 की, यही मोल फ्रैक्शन हुआ। 0.0196। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 1.8 पे आ जाओ। 1.8 सवाल क्या कहता है कि द डेंसिटी ऑफ 3M सॉल्यूशन। सो 3M सॉल्यूशन कितना है? 3M सॉल्यूशन है, मोलरिटी दी है, इक्वल टू 3M और डेंसिटी भी दी है सॉल्यूशन की। इट इज इक्वल्स टू 1.25 ग्राम पर ml। ये दोनों चीजें दी हैं। तो कैलकुलेट मोलैलिटी। अच्छा यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल सॉल्यूट है, इसका तो यही मतलब हुआ। NaOH का सॉल्यूशन है, सो 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 3 मोल। मोलरिटी 3, इसका क्या मतलब है? 3 मोल पर लीटर नहीं हुआ क्या? तो 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 3 मोल NaOH। अच्छा 1 लीटर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, तो मैं सॉल्यूशन का वजन ज्ञात कर लूं, मास। तो मास बताओ 1 लीटर में। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 1 लीटर को लिखो 1000 ml, क्योंकि डेंसिटी ml में दी है, तभी ml ml कटेंगे। और डेंसिटी कितनी है? ग्राम पर ml, 1.25। तो ml से ml काट दो, चीजें ग्राम में आ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा बताओ? तो 1250 ग्राम सॉल्यूशन में NaOH का कितना वजन है? जहां मैंने 1 लीटर लिखा था सॉल्यूशन, अब उसको हमने वजन में लिख दिया, देख लो। सॉल्यूशन कंटेन्स कितना NaOH का वजन है बताइए? अच्छा NaCl है, ठीक है NaCl है, तो 3 मोल है, बता दो कितना वजन है। NaCl का मोलर मास क्या है? वैसे 58.5। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? 75.5। ठीक है,
तो इतने सॉल्यूशन में इतने ग्राम NaCl है, तो सॉल्वेंट कितना हुआ, क्योंकि मोलरिटी तो सॉल्वेंट में निकाली जाती है। सो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी कितना हुआ, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो 1250 माइनस 175.5, बताओ कितना आ जाएगा। 1074.5 कितने ग्राम, यही ग्राम है अगर केजी में बदल लिया जाए तो मोलैलिटी क्या हुई। अब देखो मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बताओ क्या क्या लिखे हैं मानसी। थ्री और नीचे 1.0745, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करिए तो पता करिए क्या आएगा। ब्लर्ड हो गई स्क्रीन क्या। चलो अभी डिवाइड कर दो कितना आ रहा है। सो 2.791 m लिख दो। वैसे तो इसका फार्मूला क्या है, मोल पर केजी है, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा मोलरिटी में वॉल्यूम नहीं है, मास मास है, तो क्या अगर टेम्परेचर बदलेगा तो मास बदल जाता है किसी चीज का, बताइए। और वॉल्यूम, वॉल्यूम तो एक्सपेंड भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि देयर इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो इसलिए मोलैलिटी इज सुपीरियर देन मोलैरिटी, मोलैलिटी को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर बदलने के साथ बदलती नहीं है। व्हेन टेम्परेचर चेंजेस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, हेंस मोलैरिटी चेंजेस, बट मोलैलिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मोलैलिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज इट इज बेस्ड ऑन मास, मास हो मास परसेंटेज हो नंबर ऑफ मोल्स हो, ये सभी सुपीरियर हैं। और वॉल्यूम आ गया किसमें, मोलरिटी में, तो मोलरिटी सुपीरियर नहीं है, सिर्फ इसी में वॉल्यूम आया है, बाकी PPM PPB मास परसेंटेज इन सभी में वॉल्यूम नहीं आया है, तो इन सभी को सुपीरियर माना गया है मोलरिटी से। एज विथ टेम्परेचर इट रिमेन्स अनचेंज, सो रिमेन कॉन्स्टेंट, इसीलिए सुपीरियर है। कई बार एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम 11:45 पे मैथ की क्लास करेंगे, इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।